करने और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है कारमा रेस्टोरेंट एंड आइसक्रीम बेंगलुरु फूड टूर पाकिस्तानी इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लेकिन इंस्टाग्राम में लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अरबिक चिकन कबाब, बकरा जिंदा हो गया भाई। क्रीम की केमिस्ट्री देखते हैं, हमारे साथ अच्छी है। ये फर्स्ट टाइम हाँ। आइसक्रीम कबाब तैयार है हाँ? भाई एक चाय देना, चाय वाला ये क्या चीज है भाई? ये भी कुछ है बादशाह मोसे हलवे का पूरी। हम चाय पियेंगे, भी पैसे मत दो। अपने वहाँ कराची लाहौर की चाय ज्यादा अच्छी है या बेंगलोर की चाय ज्यादा अच्छी है? लगता है बनाने वाले पे डिपेंड करता है। बिल्कुल मैं भी मानती हूँ। हाँ जी भाई, आप हम पहुँचे हैं करामा, कराची पंजाबी कुजीन। कराची पंजाबी बेंगलोर में कराची पंजाबी के नाम से भाई एक रेस्टोरेंट जो कि बड़ा ही फेमस है, वहाँ पे आए हुए हैं। तो पहले तो मैं भी देख के चकरा गया, ये क्या सीन है। फिर मुझे बताया कि बड़ा फेमस है, तो हम यहाँ जाते हैं और जाहिर है जाने के लिए आए हैं और डिफरेंट डिशेज ट्राई करेंगे क्योंकि कराची का तो हमारा एक्सपीरियंस सब सारी ज़िंदगी का ही है। तो देखते हैं कि यहाँ पे टेस्ट उससे कितना मैच होता है, कितना दूर है। तो डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। कोशिश करेंगे कि अंदर एम्बियंस वगैरह भी दिखाएं। लाइट कम है, अगर वीडियो थोड़ी सही ना बने उसके लिए माजरत। मेरे चैनल को लाइक फिर कहूँगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो आने वाले दिनों में बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है। तो आ जाए अंदर, आपको दिखाते हैं। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। यार इंटीरियर चेक करो भाई, ये देखो बैम्बू शैम्बू लगाया हुआ है, पूरी देसी लुक दी हुई है, कमाल है भाई। हम अपस्टेयर जाएंगे लेकिन स्पेशल बनाया भाई ये साइड में, ये क्या कहते हैं स्पोर्ट जो है, जबरदस्त लुक दी हुई है। ओए उस्ताद जी कमाल ही एंबियंस है यार, ये मजा है। तो यहाँ का एम्बियंस और इन्वायरमेंट एक पर्शियन टच दे रहा था, पर्शियन लुक दे रहा था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छा लगा। ये अच्छा लग रहा है इस साइड पर बैठना, सच में बारिश हो, ओह गॉड कितना मजा आ रहा है। और बारिश इस साइड की हो तो यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा वैरायटी है भाई। अरे भाई एक दफ़ा आए, पता नहीं कभी जिंदगी में मौका मिले तो भाई हम ऐसा करेंगे कि ये इनका मेन कोर्स है। तो भाई बेसिकली पंजाबी, माशवरी, कराची, 3-4 तरह की चीज़ें हैं। तो भाई ऐसा करो, एक आप अरेबिक में से ले आओ जो सही है, ठीक है, खुद ही ये अच्छा है बल्कि, और एक कराची में से ले आओ अरेबिक में, और बहुत मजे का होता है। ठीक है जी, ये कौन सा भाई कह रहे हैं खाना फिर माशवी कौन सा था, ये नहीं है पहले ही बोल दो। तो भाई ऑनेस्ट रिव्यू जाने वाला है, सही है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स है। तो सर्विस का ये भी अच्छी बात है, हमारे तो 25 मिनट्स लेते हैं। खाना यहाँ खा रहा हूँ, सुस्त है ना, लेकिन ये लाइव व्यू आप देख सकते हो, कैसा जबरदस्त व्यू आ रहा है, लग रहा है व्यू मजे का। चल रही है गाड़ियाँ शाड़ियाँ, मतलब बोर नहीं होगा यहाँ पे बैठे। ओल्ड एरिया की दुकान है और बड़ा फेमस है ये। बाकी जो बेंगलुरु में और इंडिया में रेस्टोरेंट है उससे बहुत डिफरेंट है। अब देखते हैं वैसे ही मशहूर है या खाबे में भी चंगा है। तो खाना आता है फिर आपको ऑनेस्टली। थैंक यू। लुक्स वेरी नाइस यार, डिफरेंट सॉसेज है। मेरे जहन में था डिफरेंट वेजिटेबल्स होंगी, लेकिन ये अलग ही कोई सीन है। आई थिंक ये वो है ना साथ में अरेबिक, जो अरब में खाते हैं, हुमस है। ये क्या भाई? हाँ, दज्जाल? वो कह रही है दज्जाल तो दज्जाल तो वो है गुरु। ये वेजिटेबल चटनी है, बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया हुआ है, गुड यार। तो ये हम फिर कबाब के साथ ही खाएं, चमचे से कैसे खाएं? स्टार्टर हाँ कबाब के साथ भी खा सकते हैं, समझ गया। ये छोटी-छोटी साथ इन्होंने ब्रेड्स दी हैं, इसे ट्राई करते हैं क्योंकि वैसे तो मुझे इतना पसंद नहीं है, लोगों को काफी पसंद होता है। सीख कबाब मंगाया, ये हुमूस है, फ्रेश हुमूस बनाया हुआ, अच्छा। थोड़ा सा हम टेस्ट करेंगे, पता नहीं क्या नाम बताया था इसका, खुबूस ये नाड़ा ले, अच्छा भाई अच्छा। और ये गाजर्स क्रिस्पी क्रंची के लिए कोई वेजिटेबल्स ही है। उसके साथ लेंगे हुमूस, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये देखें ऐसे बना के यार देखने में बड़ा सादा लग रहा है जो ये क्रंची वाला भाई सारे नंबर। ये पता नहीं किस चीज का बनाया हुआ है, तो वेजिटेबल है। अच्छा, कोई पोटैटो, स्वीट पोटैटो, उसके साथ ये सारे नंबर इसके हैं। सारा मिक्सचर के खाओ तो मजा आता है। मम्मी शकरकंदी का बना हुआ है, हां स्वीट पोटैटो। अब देखते हैं कबाब के साथ ये सब कैसा लगता है, तो कबाब का वेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वैसे लोग मैंने देखा हम यहां पे ना चिकन टिक्का पीटा ब्रेड के साथ खाते हैं। थैंक यू। तो भाई ये दोनों चीजें आ गई है, तो यार मुझसे वीडियो के बीच में रहा नहीं गया, मैं पहले ही थोड़ा सा खा गया तो उसके लिए परेशान नहीं होना। तो भाई ये है अरेबियन डिश के लोखे, अरेबियन में ये डिश है, ये हमारी कराची के बाद में टेस्ट करेंगे। तो भाई इसमें हम ये करेंगे, ओए हो यार ये इतनी नरम है ना, इतनी नरम है ये। अच्छा ये वो है बोटी है कि खुशबू से पता लग रहा है। राइट, ये देखें कबाब है, इनका सॉस है, पहले इनके सॉस ट्राई करेंगे फिर आपको बताऊं। ये हो कितना अच्छा है ना, क्या कितना अच्छा हो कांटा। अच्छा जी, वो तो मैंने पहना है। इनका ये जो सॉस है, ये वाला डिलीशियस, ये जो सॉस है असल गेम इसकी है। लेकिन हमने सैलेड इसलिए मंगवाया है कि उनके साथ हम कबाब वगैरह भी ट्राई करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये तो बोटी है, इसके साथ ये ट्राई करते हैं। यार इसके साथ मुझे मजा आ रहा है, गार्लिक माइन खट्टी मीठी होगी ना, पता नहीं मुझे हमस का कोई टेस्ट ही नहीं आता। ये हाथ में सोने इसकी टेंशन नहीं लेनी। और ये क्रिस्पी वाला एंड यार मैं इतना एक्साइटेड हो गया हूँ, पसीने आ रहे हैं। मौसम ऑल तो बड़ा अच्छा है, व्यू आपको दिखाया मैंने, गाड़ियाँ चल रही हैं। ब्रो जब भी करामा में आए इस चीज़ को आपने मिस नहीं करना, क्योंकि इसके साथ या और भी डिशेज हैं, इसके साथ भी ट्राई करेंगे। आपने अरेबिक डिशेज के साथ, कराची कबाब के साथ, मशवरी जो है, जो भी है, ये सैलेड जरूर मंगवाएं। लो जी, पिशावरी चिकन मटन कबाब बहुत ही जूसी है भाई। मतलब ये मिक्स है चिकन और मटन इसके साथ इन्होंने ये भी समझ लग रही है यार। ये देखो ये क्या है, ओए ये छोटी छोटी प्याज, बेबी अनियन, ये मैं पहली दफा देखी है भाई। ये तो पहली दफा देखी है, आपकी स्पेशलिटी है। ये देखो बेबी अनियन भाई, तो बच्चे फ्री है, साथ प्याज इन्होंने ज्यादा दी है, तो हम फिर प्याज के साथ खाएंगे। पहले हम इसको वैसे ही ट्राई करेंगे। जो इनका अपना सॉस है जो रिकमेंड किया हुआ, यार ये टूट रहा है, इसका मतलब है इसमें चर्बी कम से कम है, मीट और माल ज्यादा से ज्यादा है, ये निशानी है। अगर टूटे ना उसकी अपनी एक खासियत है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये मीट इसका मतलब है ज्यादा है। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है बेंगलोर का। मैंने बहुत मटन कबाब खाए हैं, लेकिन ये अलग है। नहीं मटन नहीं है मेरा, मैं ये नहीं कहूँगा टॉप ऑफ द लाइन है, लेकिन डिफरेंट है। ये चीज नंबर 1 है। चिकन मिक्स होगा बीच में, अरेबिक जो है, और कराची पिशावरी डिफरेंट है। इसको इसके साथ ट्राई करते हैं। ये हर चीज को नंबर 1 कर देती है। ये हुमूस लगाया, टेस्ट डिफरेंट, हाथों की टेंशन नहीं लेनी, हाथ गंदे हो जाए, काम पूरा होना चाहिए। ये क्रिस्पी वाला ऊपर डाला, जो अनियन, वो जो है स्वीट पोटैटो, सॉरी नॉट ऑनियन। मजा आ रहा है इसका, बकरा जिंदा हो गया भाई। पता लगा मटन खाया। नंबर 1 हर चीज के साथ ये होना चाहिए। तो यार रोटियां मैंने नहीं मंगवाई, रोटियां ऑल दो इन्होंने दी नहीं है। ये देखें रोटी का पूरा इंतजाम है। तो वीडियो बनाते हुए मैंने कहा पहले ये टेस्ट कर लें, बाद में हम रोटी खाते हैं। तो उम्मीद है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। ये मेरी रिकमेंडेशन है, करामा में लाजमी है। करामा की फ्रेजर टाउन ब्रांच में बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। लाइव आपकी वैसे तो गाड़ी में जा रहे हो, साफ सुथरा माहौल है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। दरख्त लगे हुए हैं, पुराना माहौल है, लाइटिंग शाइटिंग और हवा चल रही है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी है, सर्विस इनकी आउटस्टैंडिंग है और यहाँ के मैनेजर स्पेशली और जो स्टाफ है तो मैं बहुत हाईली अप्रिशिएट करता हूँ उनकी प्रेजेंटेशन को। तो ज़रूर आएँ और अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दें। अच्छा भाई, ये इनका बारबेक्यू कॉम्बो है यार, बड़ी ऐसे जो लाइव पनीर का भी है। और ये क्या करते हैं यहाँ पे, आप देखें ये जो है ना, इस पे कोयले रखेंगे अंदर और ऊपर करना भाई, और इसके अंदर कोयले रखेंगे और ये लाइव जो कॉम्बो है ना, ये देखो भाई, ये लाइव कोयले रखेंगे, ये बड़ा मजेदार सीन है। ओए होए होए होए, आंखों में नहीं आएगा। ये हमें कहा ऑर्डर करने को, लेकिन यार हम ज्यादा खा नहीं सकते तो हमने इनकी दूसरी चीजें ऑर्डर। ये ग्रीन वाला कौन सा है? वो तो देखो, वो पनीर वाला भी है, वो तो पनीर नजर आ रहा है ना, ये वेजीज वाला आ गया। वाह ओए यार, ये तो कौन, ये कौन सा बहुत आला यार, ये लाजमी ट्राई करेगा शुरू में। ओके, अब आगे हैं। तो इसके बाद में हम साथ ही मौजूद क्रीम केमिस्ट्री नामी एक शॉप पे गए जो कि आइसक्रीम और शेक्स के हवाले से बहुत ही फेमस है। क्रीम केमिस्ट्री नाम देखा, क्रीम केमिस्ट्री आपने सुना होगा, शाहरुख और खाली क्रीम केमिस्ट्री। हाँ, जब क्रीम की केमिस्ट्री देखते हैं हमारे साथ अच्छी है या नहीं तो आपको बताते हैं। बड़ी मेन यार, ये फ्रेजर टाउन में मौजूद है हम, बड़ी ही बला की लोकेशन है भाई। थ्रू आउट मेरे ख्याल 5-7 किलोमीटर तक खाबे ही खाबे, खाने ही खा। पहले मैं सोच रहा था मैं फ्रेजर टाउन पूरा कवर करूँ, फिर मुझे पता लग गया तो मुझे यहाँ मूव होना पड़ेगा तभी मैं कवर कर सकता हूँ। वो देखे ना फ्रेश, पता नहीं सिग्नेचर और पीछे क्या क्या चीज़ें हैं यार। तो चलो क्रीम केमिस्ट्री चलते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी अभी रात शुरू हुई है, लेट नाइट नहीं है तो खाली है। इनकी 2-3 चीज़ें टेस्ट करते हैं, फिर आपको करवाते हैं आगे में। ये भी अच्छा है ना, सबसे फेमस क्या है ड्राई फ्रूट में? ये और क्या चीज़ है? और इनके शेक्स। अच्छा अच्छा, शेक्स भी है। तो एक ऐसा करो भाई, एक जो सबसे फेमस शेक है वो दे दो। ठीक है भाई, आपके लिए फॉर्मूले भी लिखे और एक जो है सबसे फेमस आपका टेबल लिखा हुआ, सॉरी, ड्राई फ्रूट वाला। तो देखते हैं सबसे बढ़िया वाला शेक देते हैं कि नहीं, रिव्यू मैं खाने के बाद दूंगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं, चैलेंज है? चले बराए भाई। उससे यार इनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेचुरल फ्रूट आइसक्रीम यूज कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इनका जो टेस्ट है ये कहीं से कॉपी नहीं है। इनका ये दावा है, जो इसके ऑनर है, कि जितने भी फ्लेवर्स हैं वो इनके अपने हैं, इन्होंने ही समझ लें ईजाद किए हैं, इन्होंने इन्वेंट किए हैं। तो जितने भी शेक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं और जो जो भी चीज़ें हैं, तो देखते हैं क्या वाकई वो टेस्ट हमें पहली दफ़े ही मिल रहा है या बस ऐसी बातें शातें ही की हुई हैं। तो वेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, फ्रेश सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अच्छा वो क्या है, वो जो है मेन्यू यार, कोई हमारा भी लिखो यार, पीरियोडिक टेबल होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई लाइव आइसक्रीम हमने पहले भी बहुत दफ़ा खाई है, लेकिन ये कह रहे थे कि इनके जैसी आइसक्रीम आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। ये जो फ्लेवर है ये हमारा अपना है, ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ ये जो केमिस्ट्री क्रीम है यही मिलेगा। तो देखते हैं केमिस्ट्री, इसीलिए वो फार्मूला वगैरह बनाए हुए और वो भी जो सामने। तो भैया प्रोसेस स्टार्ट हो गया इनका। ये भाई लाइव आपको आइसक्रीम बनते हुए दिखा रहे हैं और टेस्ट इनका अपना। ये देखो जैसे ही डाला लिक्विड, ओए होए होए होए, क्या बात है भैया, क्या ये टकाटक टकाटक आपने खाया होगा? टकाटक मैंने नहीं खाया कभी, मैंने भी नहीं खाया। नीचे वो उन्होंने ठंडा करने के लिए कुछ बताया होता होगा, ऑब्वियसली। टकाटक या कटाकट आइसक्रीम, अब देखते हैं सिर्फ साउंड ही है या जायका भी है। वैसे ये वाली आइसक्रीम बनाना भी हार्ड ही है। अब ये जो अगला जो करने लगा है ना, सारे पैसे इस चीज से। आई थिंक उसको रोल करेंगे ना। हाँ, ये देखिए कितना परफेक्टली भाई इसने, ये भी हार्ड ही है, बना के दिया है ऑब्वियसली। ये आप समझ रहे हैं, ऐसे ही है डिजाइन, लेकिन अभी चेक करें ये इस चीज के पैसे हैं सारे। ये वैसे मैंने आज तक नहीं खाई यार, मैंने भी नहीं खाई आइसक्रीम। हालांकि मिलती है यार, हाँ मिलती है। ये देखिए आइसक्रीम कबाब भी इसका नाम हो सकता है भाई, वैसे ना आइसक्रीम कबाब। ओह, ये मेरी फेवरेट है। खजूर, ऊपर डेट डाली ये चॉकलेट सीरम। ओए 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 अच्छा वो नाइट्रोजन क्या पता नहीं वो ही होता है, ये क्या है मुझे नहीं पता। दुबई वाला पानी वो क्या था यार, वो थी नाइट्रोजन देखा। अच्छा जो ठंडा रखने के लिए केमिस्ट्री आइसक्रीम है भाई। आइसक्रीम कबाब तैयार हैं। ओए होए 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 धुआं निकलते हुए गैसेस तो हमें नजर आएंगी। इस करके देख पैसे दिए थे, शेक भी लिया गया जूस के शेक है। शेक उन्होंने बोला था ना बेस्ट वाला। ये डेट पहले डेट के बगैर खाते हैं और ये साथ जो आलमंड शालमंड सारे डाले हुए। ओए यार कसम से जब वो बंदा मुझे कह रहा था ना जो ऑनर कि भाई ये टेस्ट आप पहली दफा खाएंगे, अनबिलीवेबल सही कह रहा था यार। वो बड़ी आइसक्रीम खाई है, मैं फिगर आउट करना चाह रहा हूँ क्या डिफरेंस है इसमें, नहीं समझ आ रही। परफेक्टली जो बैलेंस है सारा टेस्ट, मीठा ज्यादा नहीं है, ठंडी आइसक्रीम होती लेकिन ठंडी लगनी चाहिए पता नहीं क्यों। और क्रीम, हाँ क्रीम, क्रीम केमिस्ट्री अब समझ आइए, क्रीमी सा टेस्ट ज्यादा। ओके ओए होए थिक जो है प्योरिटी। ओए होए होए इसीलिए मजा आ रहा ना। ये किया ना, ये देखें ये थिक सी क्रीम, ये थिक बहुत है। मैं कहूँ क्या चीज है यार, नहीं समझ आ रही थी। आइसक्रीम बन, हालांकि आइसक्रीम तो नाम ही क्रीम से बना है लेकिन क्रीम आपको पता ही कितनी होती है। अमेजिंग यार। अगर आपको लेट नाइट कभी अच्छी आइसक्रीम का दिल करे तो क्रीम केमिस्ट्री में आए यार। आइसक्रीम में तो 10/10 ये थोड़ी सी और है, प्लीज थोड़ी सी और खा लो। वीडियो के बाद सारी खाऊंगा ना। अब इनका करते हैं, उसने कहा यार आइसक्रीम तो आपने कर दी, शेक जो है चैलेंज दिया है। चैलेंज का अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। बहुत कम लोग ऐसे चैलेंज देते हैं। तो भाई शेक हम पी के देखेंगे, थोड़ा इसको हिलाते हैं यार। आलमंड शेक है लेकिन लग नहीं रहा, देखने में कलर अलग है उसका। ऐसे कलर है या स्ट्रॉबेरी आपको बता सही है। एक दो जगह मैंने पहले भी पिया है, बहुत थिक होता है। इसमें बड़े बैलेंस करके आलमंड डाले हुए हैं, पता नहीं सिरप डाला है क्या किया है, आई डोंट नो, सीक्रेट रेसिपी है। तो बहुत डिफरेंट है, मीठा थोड़ा ज्यादा है। आइसक्रीम को मैं दूंगा 10/10, इसको मैं दूंगा 7/10। सेवन से चीज़ है कि मीठा थोड़ा सा ज्यादा है, अदरवाइज ये 9/10 था। एक सिप और फिर फाइनल डिश। जायका बहुत ज़बरदस्त है और मीठा मुझे ज़्यादा लगा थोड़ा, और उसके मैंने 3 नंबर काटे। लेकिन आइसक्रीम जो है अगेन 10/10। तो भाई जब भी आप फ्रेजर टाउन बेंगलुरु आए, क्रीम केमिस्ट्री या केमिस्ट्री क्रीम कुछ भी कह रहे हैं, दोनों में सी आता है जरूर है। अच्छा भाई इन्होंने बड़ा मोहब्बत से प्यार से हमें सब खिलाया पिलाया है। तो भाई अगर आप बेंगलोर के आसपास रहते हैं तो इनका एक मैसेज है आपके लिए। जी भैया, आप लोग बेंगलोर में रहते हैं तो फ्रेजर टाउन में हमारी स्टोर ज़रूर विजिट करना, क्रीम केमिस्ट्री का। एंड भाई से रिव्यू ले लेना, उसके बाद ही विजिट करना। ज़बरदस्त सही बात है। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। तो भाई क्रीम केमिस्ट्री की वॉल पे मेरा नाम भी परमानेंटली टैग कर दिया गया है। तो भाई ये सब खाने के बाद हमने रिक्शे वाले भाई से कहा हमें एक बहुत ही मजेदार चाय की जगह पे उतार दो जो कि बहुत ही फेमस हो। हाँ जी भैया, हम आ गए हैं भाई द वन एंड ओनली सवेरा चाय वाले। भाई बड़े दूर से लोगों ने बताया इनकी चाय बड़ी फेमस है, पीने आए। इनके पास समोसे हैं, पकोड़े हैं, अलग अलग आइटम्स हैं, कड़ा हुआ दूध है, वो सारी आइटम मौजूद है। लेकिन हम पीने आए चाय क्योंकि हमने आगे बहुत कुछ खा लिया है यार। तो चाय पीते हैं फिर देखते हैं बेंगलोर साउथ इंडिया की चाय, पंजाब की चाय ढूंढूंगा। हमेशा गलत बोल देते हो, टेस्ट करवाते आपको, टेस्ट का रिव्यू देते हैं। भाई एक चाय देना, चाय वाला बिजी है। क्या वो समोसे देख सकते हैं, ये देखो ये क्या चीज है भाई, ये क्या है? बादशाह। ओए बादशाह पता नहीं क्या चीज है, ये पहली दफा देखी है भाई। ये भी कुछ है, इसका क्या नाम है? स्वीट पूरी, बादशाह, समोसे, ये पता नहीं क्या है यार। ये पहली दफा बेंगलोर आया हूँ भाई। ये क्या है? हलवे का पूरी, ये स्वीट पूरी हलवे का पूरी। फेनी, हाँ ये फेनी जैसा लग रहा है। ये क्या है? फ्राई चिकन बर्गर है भाई, फ्राई चिकन बर्गर। चाय पियेंगे, चाय का रिव्यू देंगे, ये चीजें बाद में खाएंगे। ये मैंने पहले था देखा भाई, ये वो मास्टर बंदा है चाय का भाई। ये बंदे ने दावा किया था चाय पियो नहीं तो अच्छी ना लगे, पैसे मत देना। ये अभी भी पैसे मत दो, नहीं नहीं पैसे 100% मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छी या बेस्ट लगी होगी, इसके बाद डबल पैसे बनते हैं अच्छी चाय या डबल। अच्छा ये बताओ आपने सवेरा आगे पीछे है वो क्या सीन है? सवेरा एक ही है, पूरे भाई लोग की है। सवेरा एक ग्रुप है। अच्छा, अच्छा, तो भाई लोग पूरे ब्रांचेस खोल के रखे। अच्छा अच्छा, तो सवेरा असली तो कोई नहीं, नहीं नहीं, सवेरा का एक ही है। और वो सवेरा में उनका लोगो जो है ऊपर लगा हुआ है। हाँ वो लोगो जो कहीं पर भी मिले तो समझ लेना सवेरा वही है। तो भाई कोई भी सवेरा वो उनके भाई, कजन, मामे, चाचे, पूरा खानदान में हाँ मिलके ऐसे ही बना रहे। अच्छा यार टेस्ट यही मिलेगा आप। हाँ टेस्ट यही मिलेगा, टेस्ट कभी ऊपर नीचे नहीं होता है, हमेशा जब भी आके पियो सेम टेस्ट मिलेगा। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। अब चाय पीते हैं यहाँ छोटे छोटे कपों में। ये एक गिलास छोटा सा, ये कप नहीं है, गिलास है। तो जिस तरह दिल्ली में देखा था यहाँ पे भी वही सीन है। तो पी के देखते हैं, फुल गरम चाय है। बढ़िया यार भाई, कमाल है यार सवेरा। तो दूर से आए हैं हम, एक नंबर है। बहुत आला यार, बहुत मजे की चाहिए। नंबर 1 सवेरा, नंबर 1। अगर बेंगलोर आए सवेरा के ये अगली दफ़ा ट्राई करेंगे इसमें ये सारी आइटम। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको दिखाएंगे ये चीज़। अब मैं चाय पीता हूँ, अपना ख्याल रखें। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और चाहते हैं ऐसी और वीडियो में अपलोड करूँ तो उसकी कंडीशन सिर्फ एक है, सिर्फ एक सब्सक्राइब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपना और आसपास वालों को ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ। भाई आज के व्लॉग में तो काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें जो है वो देखने को मिली है, खासकर जो है ना वो सबसे पहले जो अरेबिक डिश आई है। वैसे मुझे लगता है कि मैंने कभी हमस जो है वो कभी टेस्ट नहीं की। तुमने टेस्ट किया होगा बट तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि आज जब हाईटीज़ पे जाते हैं तो वहाँ पर हमस पड़ा होता है। नहीं फिर नहीं टेस्ट किया फिर तुमने, वही तो कह रही कि तुमने, तुम्हारी कभी नज़र ही नहीं पड़ी होगी कि भाई मैं इसको खा कर देखूँ। लेकिन तुमने मुझे लगता है कि खाया हुआ है। अगर तुम्हें याद हो तो एक जब हम लोग सऊदीया गए थे तो टर्किश रेस्टोरेंट हम लोगों ने ट्राई किया था। इंतहाई बकवास खाने होते हैं सही बात है, बिल्कुल मजे के नहीं होते उनके खाने। लेकिन मैं टर्किश रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, असल में कंट्री कंट्री टेस्ट बहुत ज्यादा वेरी करता है ना, तो नहीं अच्छा होता है टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टर्की जाते भी है ना उनको टेस्ट नहीं पसंद आता। अच्छा मैं सही कह रहा हूँ, ये हकीकत है। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो विजिट करके आई हुई है टर्की, वो बोलती हैं टेस्ट अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी आप ना एडजस्ट नहीं कर पाते। खैर एनीवे भाई बात ये करते हैं रेस्टोरेंट की। मुझे रेस्टोरेंट की लोकेशन बहुत अच्छी लगी, एम्बियंस बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है ना खाने वाली जगह पर बैठने के लिए ना पहले उस जगह की वाइब होनी चाहिए, फिर आप खाना एंजॉय करें। अच्छा वैसे मुझे ना थोड़ी थोड़ी जो है ना वाइब, हम जाते हैं ना इधर मॉल वन में ब्रेसरी जो है, हाँ हाँ उस जैसी थोड़ी सी ना एक साइड की वाइब लगी। हाँ मुझे उसकी थोड़ी सी वाइब जो है ना उस तरह की लगी। लेकिन अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए ना तो फिर आपको ना इंडिया में खाने काफी ज्यादा सस्ते जो है वो देखने को मिलते हैं फाइन डाइनिंग में, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें जो रेट्स लिखे हुए थे ना, क्योंकि वैसे तो काफी जल्दी पलट रहे थे लेकिन रेट्स ज्यादा नहीं थे, नॉर्मल ही थे। अगर करेंसी कन्वर्ट करो ना तो जिस तरह से वो लिख रहे थे ना तो मुझे लगता है कि कमो बेश मतलब थोड़े से ही नीचे थे। अदरवाइज फाइन डाइनिंग आप करो तो आपको ऑलमोस्ट इतना ही पड़ जाता है। नहीं, लेकिन ना दिल को तसल्ली होती है ना जब इतने कम लिखे हुए देखते हैं। बट एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, अगेन व्यू, जैसे मौजम ने बोला ना कि जो यहाँ पर जिस रेस्टोरेंट की मौजम बात कर रहा है उसका व्यू है, बट ये ज्यादा अच्छा व्यू है। मतलब इट्स लाइक कि आप वो बालकनी में नहीं बैठे होते और इंजॉय कर रहे हो। और मुझे ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी, दरख्त पुराने पुराने दरख्त हैं वहाँ पर, इतने बड़े आपको नजर आ रहे हैं। और मतलब हर जगह की ना एक अलग वाइब होती है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर नीचे से जैसे बैम्बू का बना हुआ है, ऊपर जाते हैं, ऊपर से वो एक टेरेस है पूरा और आप बैठे हो वहाँ पर। और मुझे हमेशा अगर मैं कभी इस रेस्टोरेंट में जाऊँ ना तो मैं बिल्कुल इस वाली साइड पर ही बैठूंगी, रोड वाली साइड पर। मुझे लगता है भाई जैसे जो रश आवर्स जो होते होंगे या वीकेंड्स होते होंगे तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा रश होता होगा, लेकिन जो है ना मेजोरिटी लोगों की यही कोशिश होती होगी कि यार ज़रा इधर वाला, ताकि बाहर के जो है ना नज़ारे जो हैं वो होते रहें। तो नो डाउट आपको अच्छा लगता है, एक तो हवा आपको लगती रहती है, दूसरा आप आते जाते लोगों को भी देखते हैं, तो आपका जो है ना दिल जो है वो लगा रहता है। अच्छा मुझे जो है ना, अब मैं ज़रा खानों की बात करूँ तो भाई वो जो बीच में वो चटनी थी ना अनार वाली, वो मुझे थोड़ी ना खट्टी खट्टी लग रही थी और मतलब मुझे पानी भी आ रहा है इस वजह से बोलते हुए इसको हो रहा है। बट मैं ये बात बोलूँगी कि इंडियन कुजीन की मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो साथ में ना जो चटनियाँ देते हैं ना, वो टेस्ट दोबाला कर देती हैं। मतलब कसम से खाने का मज़ा जो है ना चार चांद लगा देती हैं खाने को, कि मुझे सोच कर भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई मीन जो बोटी थी चिकन वाली वो इस तरह से थी लाइक के वो कहते हैं ना ऐसे हाथ पकड़ के तो ऐसे मतलब बहुत ही सॉफ्ट सी आपको लग रही है, जैसे मलाई बोटी होती है ना, एग्जैक्टली मलाई बोटी है ना, टूट जाती है इस तरह की लग रही थी। अच्छा कबाब काफी ज्यादा जो है ना वो डिफरेंट था। दूसरा वो जो पेशावरी कबाब जो था, मटन कबाब था वो, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना, क्योंकि यहाँ पर आप बाहर देखते हैं ना कबाब वो थोड़े से कलर टेक्सचर उनका चेंज हो जाता है। वैसे मैंने कभी मटन नहीं खाए तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये मुझे ऐसे कच्चा कच्चा जो है वो लग रहा था। उसका मसाला रेड कलर का होगा। लेकिन मौसम मैंने ये बात पूछनी थी कि मटन कबाब तो वैसे मैंने यहाँ पर बाहर कभी देखे नहीं है, मतलब मिलते हैं क्या? ज्यादातर तो मैंने चिकन कबाब ही देखे हैं, कहीं ना कहीं से मिलते होंगे, लेकिन जो हम लोग आम बात करें चिकन कबाब ज्यादा यहाँ पर मिलते हैं। देखें अब चिकन कबाब इतने महंगे हो गए हुए हैं, तो अगर मटन वो लगाएंगे वो तो लोगों ने खरीदना नहीं। बट लोग मेरा नहीं ख्याल कि मटन कबाब ज्यादा खाते भी है, ज्यादातर लोग यहाँ पर खाते हैं चिकन कबाब। मुझे लगता है कि आप अगर चले जाते हैं ना इधर पेशावर वाली साइड पे, केपी के वाली साइड पे, उधर जो है काफी ज्यादा खाते होंगे। हाँ, वहाँ पर लोग रेड मीट बहुत खाते हैं। क्योंकि लाहौर में रेस्टोरेंट है जो कि बेसिकली केपी का, ये केपी का शनवारी, वहाँ पर आपको जो है ना वो मटन देखने को मिलता है। अच्छा अब ये भी एक चीज है, अब लाहौर का टेस्ट और जो जब आप नॉर्थ वाली साइड पर ऊपर जाना शुरू हो जाते हो ना, तो उनका टेस्ट बहुत डिफरेंट, फीका और मीठा होना शुरू हो जाता है उनके मसालों का टेस्ट ना, तो वो बहुत डिफरेंट लगता है। मुझे कभी भी खाने इतने अच्छे नहीं लगे उस साइड पे जाके, तो मैं हमेशा भूखी ज्यादा रहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा वैसे जो है ना एक और सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो जो कबाब वाला सिस्टम यार, अगर हाँ मैं वो जरूर ट्राई करना चाहूँगी। वैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने एक जो है ना जौहर टाउन में एक रेस्टोरेंट देखा था, वहाँ पे वो क्या करते इस तरह आपके सामने लाकर तो नहीं थे बनाते, लेकिन जो है ना वो अंगीठी के ऊपर लाकर ना बनाकर फिर अंगीठी के ऊपर लाकर आपके आगे रखते थे ताकि जो है ना वो गर्म रहे। वो तो बहुत कॉमन है। अच्छा मुझे नहीं पता, मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। नहीं ये मतलब अंगीठी के ऊपर ऐसे कबाब आपको देना ना ये कॉमन है, बट इस तरह से लाइव कुकिंग करना ये मैंने नहीं देखा। मैंने भी ये चीज वैसे नहीं देखी, ये बड़ा एक नया हो सकता है कहीं पे हो, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं। और जो वैरायटी थी बीच में यार, मैं मतलब मुझे लग रहा था बीच में हरा भरा कबाब था शायद, वो ग्रीन कलर का जो था, हो सकता है हो सकता है उसके ऊपर वो चटनियां जो है वो लगाई हों। नहीं एक चीज ये अच्छी लग रही थी ना आपको, डिफरेंट डिफरेंट सीखे नजर आ रही, लेकिन भाई सबसे डिफरेंट उसमें वो वाला था कॉर्न्स वाला। हाँ कॉर्न्स, मतलब मैंने कभी मतलब हो सकता है वो कॉर्न्स जो है वो ऐसे मजे के लगते होंगे, हो सकता है वो शायद आपको आपने देखा ना जो भुट्टा जो शायद उस तरह का वैसा टेस्ट है, ऊपर कुछ मसाला वगैरह जो है वो। उसके बाद हम आइसक्रीम की तरफ आते हैं। हाँ वैसे मैं आइसक्रीम मतलब एक होता है लोग बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं कि आइसक्रीम खानी ही खानी है, मैं वैसे शौकीन तो नहीं बट मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी लगती है। मुझे स्ट्रॉबेरी अच्छी लगती है और साथ में मुझे जो है वो बाकी सारी मैं खा लेता हूँ, लेकिन स्ट्रॉबेरी जो है ना उसका टेस्ट भी बड़ा मजे का लगता है। मुझे मैग्नम बहुत पसंद है चॉकलेट, मुझे बेस्किन रॉबिन्स बहुत पसंद है। ओके वो तो पसंद ही है, बट मैं भाई मैग्नम भी जो है ना मतलब लास्ट टाइम पर मैंने उसकी बार खाई थी ना मौसम, आप जब ऐसे स्टोर से लेते हो वो अलग होते हैं उसका टेस्ट, और जो बार आप मतलब मॉल से लेते हो ना उसका अलग टेस्ट होता है। मैंने बहुत देर पहले टेस्ट की थी, तो मुझे जो है ना वो जो स्टोर से लेकर आप खाते हैं ना मुझे वो ज्यादा मजे की लगती है। अच्छा नहीं मुझे वो वाली अच्छी लगी थी। खैर इसके बाद मैं बात करूंगी कि ये जैसे लाइव उन्होंने आइसक्रीम बनाई ना यहाँ पर भी मिलती है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे आइसक्रीम का इतना शौक नहीं है शायद इस वजह से, बट मैं अब ट्राई जरूर करूंगी कि मैं भी देखना चाहती हूँ टेस्ट कैसा था, क्योंकि उन्होंने बताया टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने भी वैसे कभी नहीं ट्राई की, तो जिंदगी मौका मिला तो आप ट्राई करेंगी तो साथ में भी ट्राई करेंगे कर लेंगे, क्योंकि मैं मतलब फुल मैं भी नहीं खा सकती। अगर एक चीज थोड़ी टेस्ट करनी चाहिए, साथ दो तीन और भी बंदा कर लेता है। हाँ मतलब ज्यादा ये भी तो है ना कि अगर बहुत टेस्टी हुई तो फिर तो बंदा खा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा नॉर्मल टेस्ट हुआ तो फिर बंदा कहता है अच्छा चलो ठीक है ना खा ही लेते हैं। और जूस की अगर बात करें, सॉरी शेक जो उन्होंने लिया था, तो शेक वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जो है ना वो हम दूध में बादाम डालते हैं ना, वो उस तरह का मुझे लग रहा था, साथ में लग रहा था रूह अफ़ज़ा शायद उस तरह कुछ मिक्स किया होगा, ऐड किया होगा ना नीचे जो नजर आ रहा था मुझे। तो वैसे ना जैसे मैकडोनल्ड्स का स्ट्रॉबेरी शेक होता है ना वो, तब मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर एक टाइम के बाद मुझे आकर लगना शुरू हो गया कि भाई ये बहुत ही ज्यादा मीठा है, इसमें कुछ ज्यादा ही मीठा ऐड किया जाता है, तो फिर मेरा स्ट्रॉबेरी शेक पीने का मन नहीं करता था, बट मुझे लगता है थिक भी काफी ज्यादा होता है बहुत, तो इसीलिए तो मुझे मजा आता था कि थिक बहुत ज्यादा होता है। और वैसे भी हर चीज की ना वो एक होती है ना लिमिट होती है, आप अगर ज्यादा पी लो ना फिर उसके बाद उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो वो भी सीन होता है। ये चीजें मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शेक्स जो है ना मुझे वैसे थिक पसंद है, मजा आता है आपको पीने का। फिर उसके बाद भाई हम चाय वाले पे आ जाते हैं, और चाय की मैं बात बोलूंगी कि मुझे बहुत शौक है इस ग्लास में पीने का, क्योंकि हम लोगों ने इतने ज्यादा मूवीज में देखा है। पहले मुझे जो कुलर वाला था वो बहुत शौक था, लेकिन यहाँ पर कुलर वाली चाय वो मतलब मुझे पता नहीं टेस्ट बहुत अजीब सा लगा उसमें ना। यहाँ पे जो कुलर वाली चाय उसमें ना आपको मिट्टी का टेस्ट जो है ना वो आता है, तो शायद इस वजह से जो है वो अजीब लगता है। लेकिन जो है ना मैं कहूँगा चाय जो है ना वो टेस्ट होता है बनाने वाले के हाथ में। और चाय पकी हुई मजे की लगती है, मतलब जो पका के चाय देते हैं ना, बट उसके अंदर चीनी ना वो खुद डालें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चाय बनाने वाले होते हैं ना उनके हाथ में ना इतनी मिठास होती है ना कि उनको लगता है कि सबको चीनी बहुत। वो तो चीनी ऐसे डालते हैं, पता नहीं उनकी फैक्ट्री लगी है फ्री में, वहां से उन्हें जो ना आती है, वहां पे उन्हें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, हर चीज उन्हें फ्री मिल रही है, हमसे वो पैसे लेते हैं चीनी के भी। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि भाई चाय हो या कॉफी हो, वो बनाने वाले के हाथ में टेस्ट होता है, तो आपको जो है ना मजा आता है। वरना बहुत सारे जो है रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे ढाबे जो हैं बनाते हैं, लेकिन मजा नहीं आता पीने का। मुझे तो बहुत कम जगहों की चाय पसंद है, मुझे तो लगता है कि अगर ये ढाबा खोले ना चाय वाला बहुत चले, इनकी चाय बहुत अच्छी होती है। थैंक यू मौसम, सही बात है। मुझे अपने घर में पूरे घर में ना सबसे अच्छी चाय इनके हाथ की लगती है। मुझे शर्म आ रही है, थैंक गॉड मौसम। यही मुझे भी शर्म आती है जब हम मेरी तारीफ करती है, कभी कभी करते हैं ना इसलिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का अपना टेस्ट होता है, जो चीज हमें नहीं पसंद आ रही होती किसी को वो बहुत टेस्टी लग रही होती है, और किसी को बहुत टेस्टी लग रही होती है वो हमें अच्छी नहीं लग रही होती। तो ये अब आकर मुझे पता चल रही है चीजें, वरना पहले मैं कहती थी है अच्छी नहीं है, इनको कैसा मजा आ रहा है। लेकिन हर इंसान के अपने टेस्ट रहते हैं। खैर ओवरऑल मैं कहूंगी कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये सीरीज देखने का, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जो सीरीज देखी थी उसमें हम लोगों ने मतलब देखा था क्या नाम है यार, इंडियन सीरीज जो हम लोगों ने देखी थी, जो पाकिस्तानी ब्लॉगर थे अब्रार भाई। अच्छा अब मुझे याद आ गया, अब्रार भाई की मतलब सीरीज देखी थी, वो देखने का भी बहुत मजा आ रहा था, और वो एक डिफरेंट सीरीज थी और ये डिफरेंट है उससे, तो इसको भी बहुत ज्यादा देखने का ना मुझे मजा आ रहा है। सो भाई जरूर जाएं, उनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें ऐसी मजे की वीडियोज जो है वो देखने को मिलती रहे। और इसी के साथ हमें ज्यादा चैनल करें।